सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबेहा बना सफ़ेद हाथी। करोड़ों की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते नहीं हो पाई डॉक्टरों की तैनाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ सोनी का। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ नगर पंचायत सुबेहा में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां पर लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी करोड़ों की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभाग की लापरवाही से सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। अभी तक डॉक्टरों की तैनाती न होने से यहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जो अस्पताल बंद हैं उनको खुलवा कर डॉक्टर की तैनाती कर बुखार जुखाम जैसी बीमारियों का इलाज किया जाए, ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की तैनाती कर स्थानीय लोगों को इलाज उपलब्ध कराए। सुबेहा नगर पंचायत में काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और अस्पताल को बंद देखकर वापस चले जाते हैं। यहाँ के अधीक्षक को चाहिए कि व्यवस्थाओं को सुधार करें। वैसे भी लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आला अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए रविंद्र मिश्रा के साथ वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं वेद प्रकाश तिवारी, हैदरगढ़ बाराबंकी। जैसा कि आज हम उपस्थित हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबेहा जनपद में, जहां पे लाखों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया गया है और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। और यही वजह है COVID-19 के चलते हुए लोग गली गली भटक रहे हैं और लाखों की लागत से बना हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ताला लटका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बड़ा, यहाँ तो जगह नहीं मिलती है और यहाँ पे जो है चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी जो है आवास बना दिया गया है, उनके रहने के लिए यहाँ पे आवास भी बना हुआ है और पानी की भी सुविधा है, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा होते हुए भी क्या वजह है कि यहाँ पे जो है ताला लटका हुआ है। कई साल बीत गए हैं, लाखों रुपये सरकार का इसमें लगा हुआ है, लाखों रुपये लगा के इतना अच्छा बनाया गया है, फिर भी जो है यहाँ पे ताला लटका हुआ है और यहाँ कोई देख रेख नहीं है और ग्रामीण लोग परेशान होकर रहते हैं, उसके बाद में ताला बंद देख कर वापस चले जाते हैं। क्या वजह है? जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये करोड़ों लाखों की लागत से हॉस्पिटल में लगाया गया है और महामारी के चलते इसमें ताला कब से लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सक्कन। मोहम्मद सक्कन, कहाँ के रहने वाले आप? तकिया। तकिया, ये बताइए इसमें कब से ताला लगा हुआ? साल डेढ़ साल हो गए। तो इसमें ताला लगा हुआ है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? परेशानी है, जैसे बुखार है या कोई परेशानी, दूर का जाने के लिए हमारा हिम्मत नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर लगीच है तो इसीलिए ताला लटक रहा है, कहाँ जाए। अच्छा, मतलब जब आप यहाँ आते हैं तब यहाँ ताला बंद रहता है? जी। कहाँ के रहने वाले हो? भाई यही सुबेहा। सुबेहा, ये बताइए यहाँ पे ताला कब से लटका हुआ? लगभग 2-2.5 साल 1.5 साल हो रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल 2 साल हो गया है ताला लटका हुआ। तो आप लोग इस समय कहाँ दवा लेने जाते हैं? हम लोग इस समय जैसे हैदरगढ़ या मेथियल बाराबंकी, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जी जी। जैसा कि आप सुन सकते हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि नज़दीक में बनाया गया है लेकिन इनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, ये लोगों को जो है काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है और यही वजह है कि लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं और सरकार का कोई ध्यान इन पर नहीं है और महामारी का इतना ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। मैं वेद प्रकाश तिवारी, कैमरामैन मोहम्मद नसीम के साथ।